नेक्स्ट जो लेवल है उसका नाम है डाउन बिट एंड टैग फील्ड। तो इस डाउन बिट की और टैग फील्ड की जरूरत पड़ी क्यों है हमारे को? देखिए इसको समझिए, बिफोर एमपीएलएस यानी एमपीएलएस के बिना इसको समझिए। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि यहाँ पे एमपीएलएस चल रहा है। देखिए डायग्राम पे स्क्रीन पे कि अगर ये जो रिप केयर आउट्स हैं अगर इस OSPF 10 में लाए जाएं तो रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा यानी LSA Type 5 होके आएगा। ये Area 4 केयर आउट लेके आए तो रिडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, LSA Type 3 होके आएगा। तो हमने बताया था आपको कि जब ये आएगा यहाँ पर R3 के ऊपर तो R3 पे आने के बाद फिर इसको हम BGP के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थोड़ी देर के लिए MPBGP भूल जाइए। तो अगर इसको रिप को OSPF में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, LS Type 5 आ गया, LS Type 3 आएगा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे BGP में, तो ये नेटवर्क R1 के पास जब पहुंचेगा तो किससे पहुंचेगा? BGP से पहुंचेगा यानी IBGP से। यानी अगर हम इन दोनों नेटवर्क्स को लेते हैं 4 और 5 की नेटवर्क को, तो ये दोनों नेटवर्क R1 पे जो पहुंचेंगी ये दोनों ही दोनों OE2 से पहुंच उससे MP सॉरी BGP से पहुंचेंगी। यानी AD उनकी कितनी होगी, यानी लॉन्गेस्ट मैच हो जाएगा लेट्स से 24। अगर हमने सबका 24 ले रखा यानी 5550/24 AD 200। सिमिलरली जब यहाँ रिडिस्ट्रीब्यूट होगा और इधर BGP चलेगा तो इधर भी आपके पास किससे आ जाएगा? 200 से आ जाएगा क्योंकि IBGP से रिसीव हो रहे। अब इधर फिर OSPF चल रहा हो तो जब इस BGP को इस OSPF में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक लैब हमने की थी अगर याद हो OSPF में, OE1 वर्सेस OE2 या राउट फीडबैक की। तो व्हाट विल हैपन, ऐसे ही कुछ होने वाला है, लूप बनने वाला है कि इस BGP के नेटवर्क को जब वो OSPF में करेंगे तो इस नेटवर्क यानी R5 के पास ये नेटवर्क रिप की, ये नेटवर्क OSPF की किससे आ जाएगी? 110 AD से। ये OSPF की नेबरशिप ऑलरेडी बनी होगी यानी इस पर R2 पर अगर हम इस तरीके से यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से हम नेटवर्क रिसीव कर रहे हैं सेम नेटवर्क यानी 5550/24 उसकी AD 200, और वही सेम नेटवर्क यहाँ से जब रिसीव होती है तो 110 से रिसीव होती है। और जब भी किसी एक राउटर के ऊपर सेम NID दो डिफरेंट प्रोटोकॉल से आएगी तो डिसीजन AD पर जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो R2 की राउटिंग टेबल से ये रूट निकल जाएगा, ये ऐसे जाना शुरू कर देगा। ये राउटिंग में तकरीबन हम पढ़ चुके हैं CCNP के अंदर। सिमिलरली अब आ जाते हैं MPBGP की तरफ। तो अगर हमने इसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया यहां पर, ये LSA Type 5 आया, ये बिना रिडिस्ट्रीब्यूशन के LSA Type 3 आया। जब इस पे RD वगैरह सेट कर दी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेट कर दिए, इन नेटवर्क्स को R1 पर MPIBGP के थ्रू भेज दिया गया यानी VPN V4 नेटवर्क बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यहाँ चली गई इंपोर्ट होकर, ये इंपोर्ट होकर यहाँ चली गई। तो अगर हम R2 और R1 के ऊपर शो IP BGP VPN V4 ऑल चलाते हैं तो ये नेटवर्क हमें 3 से नजर आ जाएगी, और अगर हम शो IP राउट VRF CCI देखते हैं यहाँ पे, बिकॉज ये नेटवर्क्स कहाँ पे कॉल होंगी, इस VRF के अंदर कॉल होती हैं, इंपोर्ट की जाती हैं। तो शो IP राउट VRF CCI के अंदर हम देखेंगे तो ये वाली नेटवर्क इनकी AD कितनी मिल रही होगी हमें? 200 मिल रही होगी, नहीं 110 तो यहाँ जाके मिलेगी ना। 110 तब मिलेगी व्हेन वी विल रिसीव द नेटवर्क फ्रॉम हेयर। यहाँ से तो रिसीव कर ही नहीं रही ना, वी आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम हेयर, वी आर इम्पोर्टिंग हेयर। तो यहाँ पर इसकी BGP टेबल के अंदर यानी शो IP राउट VRF CCI के अंदर ये वाली दोनों नेटवर्क इसमें पड़ी हैं VRF में, तो ये 200 से मिल रही हैं, ऐसी यहाँ 200 से मिल रही हैं। अब इसको अगर हम इधर OSPF प्रोटोकॉल VRF के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इसके ऊपर 110 से आ गई। जब यहाँ 110 से आ गई, इन दोनों की नेबरशिप है, फिर यहाँ आ गई। और फिर अगर हमने हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इसकी R5 की नेटवर्क्स को इधर भेजने के लिए राउटर BGP 100 में जाने के बाद एड्रेस फैमिली VPN V4, एड्रेस फैमिली IPv4 VRF CCI के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 10 VRF CCI जब लिखेंगे तो यानी ये 5 की नेटवर्क
यहां पहुंची, यहां से आर वन आई, यहां से यहां पहुंची, यहां से यहां आई और फिर रिवर्स रिडिस्ट्रीब्यूट किया, तो व्हाट विल हैपन, ये नेटवर्क फिर इधर रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब यहां रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई तो आर टू पे इस नेटवर्क पर जाने का पाथ ये बन जाएगा। तो डाउन बिट और टैग फील्ड ये दो कंपोनेंट्स हैं जो MPLS VPN के अंदर अगर राउटिंग लूप्स बन रहे हैं, रूट फीडबैक हो रहे हैं, तो उनको लूप को अवॉइड होने से बचाता है राउटिंग लूप्स को ऑटोमेटिकली। हमने लैब करनी वैसी है जैसे आज तक करते चले हैं, अभी तक हमने एक लिंक यूज किया था, आज हम दो लिंक यूज कर रहे हैं क्लाइंट के ऊपर R5 के ऊपर। तो अब ये कैसे होगा, देखिए समझें इधर कि जो नेटवर्क बिलोंग करते हैं OSPF से, जो नेटवर्क बिलोंग करते हैं OSPF से, तो हमने इन नेटवर्क को यानी LSA टाइप 3 को, ये वाली LSA टाइप 1 को, तो LSA टाइप 1 हो या 2 हो या 3 हो, जब BGP के अंदर यानी राउटर BGP 100 एड्रेस फैमिली IPv4 VRF CCI के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस OSPF की नेटवर्क को, तो ये BGP के अंदर आ गई और यहाँ पर VPN V4 बनाए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पहुँच गई। अब जब ये नेटवर्क R1 पे आ गए, कौन से LSA टाइप 3, तो whenever VPN V4 नेटवर्क BGP से इधर डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, whenever networks VPN V4 नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, यानी BGP को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा into the IGP protocol ऑन दी पी राउटर, और वो OSPF से बिलोंग करते हों, तो R1 राउटर यानी पी राउटर उसके ऊपर डाउन बिट सेट कर देगा, तो उसके ऊपर डाउन बिट सेट कर देगा जो हमें डाउन वर्ड के नाम से नजर आएगी जब हम डीबगिंग में देखेंगे। और डीबगिंग के लिए जो कमांड चलेगा डीबग IP OSPF SPF के नाम से चलेगा, डीबग IP OSPF SPF, यानी ये हम R2 R3 पे कमांड चला के देखेंगे तो हमें वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब समझाना ये था कि जब ये नेटवर्क यानी 5 ये 4 की नेटवर्क और ये यानी LSA टाइप 3 की नेटवर्क R3 से गुजरते हुए R1 पे पहुंची, और R1 पे पहुंचने के बाद VPN V4 नेटवर्क को इधर IGP में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो P राउटर ने उन नेटवर्क के ऊपर डाउन बिट सेट कर दी। अब जब डाउन बिट सेट हुई तो इस पर भी डाउन बिट सेट होके पहुंच गई, हम डाटाबेस के अंदर इन डेप्थ जाके चेक करेंगे। ये जब इसके पास पहुंची तो यहां तक भी आ गए OSPF के राउट। अब व्हेनेवर हम किसी प्रोटोकॉल के अंदर दूसरे प्रोटोकॉल को मर्ज करते हैं तो उसकी प्रेजेंस वहां होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ R2 के ऊपर अगर हम इस नेटवर्क की बात करें 4 की, तो ये नेटवर्क 3 पे जाने के बाद 1 पे जाने के बाद जब यहां पहुंची 5 पर, तो इस R2 राउटर के ऊपर भी पहुंच गई, तो R2 राउटर में हमारे पास ये वाली नेटवर्क भी OSPF से मौजूद होगी। तो अब जब हम R2 के ऊपर राउटर BGP 100 एड्रेस फैमिली IPv4 VRF CCI एंटर करने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूट OSPF 10 VRF CCI लिख के एंटर करेंगे, तो जिन जिन नेटवर्क्स के ऊपर डाउन बिट सेट होगी दे विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन टू दी BGP अगेन, तो ये लूप यहां बंद हो गया। अब दूसरा टैग फील्ड का इस्तेमाल कहां होगा, टैग फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है जो नेटवर्क OSPF से बिलोंग नहीं करती, या OSPF से तो बिलोंग करती है बट उनका प्रोसेस ID डिफरेंट रहा हो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी एनी नेटवर्क जो LSA टाइप 5 से मौजूद है। तो अगर 5 की नेटवर्क को देखें या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं LSA टाइप 5 से मौजूद है, तो अब इसको रिडिस्ट्रीब्यूट जब BGP में कर देंगे ये नेटवर्क फिर R1 पे आ जाएगी। तो अब ऐसी नेटवर्क के ऊपर क्या काम, कैसे काम किया जाए, तो अब हम क्या करेंगे कि R1 राउटर के ऊपर जब राउटर OSPF में जाने के बाद, यानी राउटर OSPF यानी आपके पास राउटर OSPF 10 VRF CCI के अंदर जाके एंटर करके डिस्ट्रीब्यूट BGP जो हम लिखेंगे, और ये एक्सटर्नल नेटवर्क जब आएगी तो ये पी राउटर क्या करेगा, जब हम SHA-IP उस डाटाबेस कमांड चलाते हैं तो LSA टाइप 5 में एक टैग फील्ड होती है जो जीरो डिस्प्ले होती है LSA टाइप 5 के अंदर एक्सट्रीम राइट के अंदर, उसमें ये क्या करेगा R1
अपना ए एस कॉपी कर देगा, आर वन विल कॉपी दी ए एस, 100 नंबर कॉपी कर देगा उसके अंदर। तो अब जब ये ओएसपीएफ डाटाबेस में आया, कौन सा नेटवर्क, फाइव का नेटवर्क, जब इसके पास पहुंचा तो टैग फील्ड के अंदर ए एस 100 छुपा हुआ है। जब ये वापस इधर आएगा तो टैग फील्ड के अंदर ए एस 100 छुपा हुआ है। तो अब क्या होगा, हमने एक रूल 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 पढ़ा है बीजीपी के अंदर कि इन केस ऑफ दी बीजीपी अगर नेटवर्क अपने ही ए एस से आ रही हो तो डिनाइड ड्यू टू दी ओन ए एस हो जाता है। तो यहां फंडामेंटल क्या हुआ, ये जो टैग लगाया गया ये किसने लगाया, वीपीएन V4 के ऊपर टैग लगा। तो अब जब ये नेटवर्क यहाँ पहुंचेगा और ये इधर आएगा तो इसको पता लग जाएगा कि वीपीएन V4 जो टैग है ये तो ए एस के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये ए एस 100 से आई हैं, तो आई विल नॉट रिडिस्ट्रीब्यूट अगेन इन टू दी वी जी पी, ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगा। तो ये समरी थी इस लैब की, लैब देखते हैं।